जी सर, स्टार्ट करो। आज हम नेक्स्ट चैप्टर है जी, प्रोटेक्शन रिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें सबसे पहले जी देखते हैं जी व्हाट रिलीज, सो व्हाट आर रिलीज। तो इसमें जनरल जो सिंपल डेफिनेशन में डिवाइसेस विच मॉनिटर द कंडीशंस ऑफ अ सर्किट एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू ओपन अ सर्किट अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस। ये कंडीशन ऑफ अ सर्किट या सिस्टम, जिस सिस्टम में भी आपने इन रिलेज को लगाया होता है, तो इन कंडीशंस को, अब ये कंडीशंस क्या है जी, ये इसके बाद ये सेकेंड उसमें पैरा में, दीज मॉनिटर द कंडीशंस एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू ओपन अ सर्किट अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस। अब ये जो बेसिक मॉनिटरिंग कंडीशन या पैरामीटर्स हैं, ये किसी भी सिस्टम में वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड पावर, ये चार पैरामीटर्स या कंडीशंस हैं जो के रिलेज मॉनिटर करते हैं। अब इन्हीं बेस पे रिलेज जो है वो डिज़ाइन होती है। फॉर एग्जांपल वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए अंडर वोल्टेज और वोल्टेज रिले, करंट मॉनिटरिंग के लिए और करंट, फ्रीक्वेंसी के लिए और फ्रीक्वेंसी, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले, एंड ऑफ कोर्स पावर के लिए जो है फिर वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन लेके पावर रिले डिज़ाइन की जाती है। इसलिए जो है फंक्शन क्या है जी रिलेज का, रिले फंक्शन एज अ सेंसिंग डिवाइस, मींस इट सेंसेस द फॉल्ट। यहाँ फॉल्ट को हमने स्पेसिफिक कर दिया, वैसे तो ये थ्रू आउट जो है मॉनिटर करती है, लेकिन चूंकि हम प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ यूज किया गया वर्ड फॉल्ट। डिटरमिन्स द लोकेशन, इसके बाद लोकेशन को भी जो है वो डिटरमिन करती है, फॉल्ट करंट, फिर इसके बाद लोकेशन। अब लोकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे एक्चुअल फॉल्ट है उसी सेक्शन को आइसोलेट कर ले, एंड देन फाइनली सेंड द फिफ्थ सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को जो है फाइनली जब रिले डिसाइड कर लेती है कि देयर इज ए फॉल्ट, फिर जो है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट करके सर्किट ब्रेकर को ओपन कर लेती है। सो दीज आर सम डेफिनेशन फंक्शन। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है तो उसकी क्लासिफिकेशन है। इसमें मेन दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं रिलेज की, वन इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड अदर इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में मेन जो है इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिलेज है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं, थर्मल रिलेज है, फिर स्टैटिक रिलेज है एंड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज। थर्मल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये तकरीबन एक ही उसमें आती है हेडिंग्स में, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल में फिर थर्मल भी आ सकती हैं। तो जो मेन हम फिर करेंगे उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लस थर्मल, स्टैटिक एंड माइक्रो प्रोसेसर। अभी जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल और थर्मल है देवर रिप्लेस्ड बाय दी स्टैटिक रिलेज। अब स्टैटिक रिलेज में जो है यूज होती हैं आईसीज वगैरह, जो पहले यूज होती थी बहुत ज़्यादा, लॉजिक गेट्स यूज होते थे, ट्रांजिस्टर्स वगैरह। नाउ द स्टैटिक रिलेज वर रिप्लेस्ड बाय दीज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज। तो अभी जितने भी रिलेज आ रही हैं वो सारी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज। तो स्टैटिक जो है वो डिसएडवांटेज कि इनमें आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, लिमिटेड उसमें एप्लीकेशंस थी इसकी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज जो है ये भी काफ़ी अरसे तक यूज़ हो रही थी, लेकिन ये भी रिप्लेस हो गई है नाउ बाई दी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में जहरी बात है मूविंग पार्ट्स ज़्यादा होती थी, तो इनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो
मुश्किल होती थी। ऑफ कोर्स ऑपरेशन वाइज काफी जो है रफ एंड टफ रिलीज होती है, अभी भी यूज हो रही है, बाज पुराने प्लांट्स पे ये रिले यूज हो रही है। सिमिलरली वार्डा जो है वो 11 kV फीडर्स पे स्टील जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज यूज कर रहे हैं, जो कि ऐसा ऐसा वो भी रिप्लेस कर रहे हैं विद द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज जो है दे आर यूजर फ्रेंडली, इसमें इजीली आप इसके साथ यू कैन प्ले पैरामीटर जो है इजीली आप चेंज कर सकते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ज्यादातर हार्डवेयर इन्वॉल्व होता था जिसमें सेटिंग वगैरह भी थ्रू हार्डवेयर, तो माइक्रो प्रोसेसर में इजीली जो है आप पैरामीटर चेंज करके कोई भी करेक्टरिस्टिक्स आप गेन कर सकते हैं। सो माइक्रो प्रोसेसर अब जो है टोटली जो है वो डोमिनेटेड है। तो ये तीन टाइप्स की हम जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज की कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसकी रीजन ये है कि बेस्ड ऑन दी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल यही जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले जो है डिजाइन हुई। इसलिए अगर आप माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले ना भी पढ़ें कोई इशू नहीं है, इसलिए कि जब आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑपरेशन पता होगा सेटिंग, क्योंकि सारी चीजें जो है वो आपको वहां पे भी मिलेंगी माइक्रो प्रोसेसर में, तो वो इजीली जो है ना आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल सेटिंग जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज की होती है। तो इसलिए इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जब आप इसको सीख जाएंगे तो फिर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले का कोई इशू नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। मैनुअल अवेलेबल होते हैं, मैनुअल आप पढ़ें और उसकी सेटिंग करें, कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दे आर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। फंक्शन यानी आप इसको प्रिंसिपल कौन सा यूज कर रहे हैं, सिग्नल कौन सा यूज कर रहे हैं और किस इक्विपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उसी बेस पे जो है ये रिलेज जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो ओवर करंट रिलेज, फिर अंडर वोल्टेज है, अंडर फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्शनल रिलेज है, ये सारी जो है विद रिस्पेक्ट देयर फंक्शन है। फेज सीक्वेंस रिले है, डिफरेंशियल है, ओवरलोड है, डिस्टेंस है, एडाप्टिव है और वाइड एरिया बेस्ड है। इस ये सारी जो है रिलेज है ये आप डिफरेंट एप्लीकेशन में करते हैं। बाज़ जगहों पे सिर्फ डिस्टेंस रिले यूज होती है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस रिले जो है यूज फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो प्रिंसिपल डेफिनेटली डिफरेंट होगा, लेकिन जो बेसिक सिग्नल्स पैरामीटर है जैसे करंट और वोल्टेज ये दो ही यूज होंगे। सिमिलरली जो है यहाँ पे डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल में अगेन दोनों जो है वोल्टेज और करंट सिग्नल यूज होंगे। फेज सीक्वेंस जो है करंट सिग्नल, डिफरेंशियल जो है ये भी यूज होता है बहुत ज़्यादा जो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स, बस बार, मोटर्स, जनरेटर्स, ओवरलोड नॉर्मली हर इक्विपमेंट में यूज होता है। तो ये सारी जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे रिलेज। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है इनमें वो ये है कि आपको बेसिक प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। तो जब बेसिक प्रिंसिपल यानी आपको ऑपरेशन का पता होगा, रिले कैसे काम करती है, इसके बाद ये जो फंक्शंस है उसका कोई इशू नहीं है, वो आप तो साथ साथ जो है हम करते जाएंगे एप्लीकेशंस भी, तो साथ साथ आप सीखते जाएंगे जी। अच्छा, इन दो स्लाइड्स में कोई क्वेश्चन है जी? नो सर, ये जो ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन रिलेज बताई सर, ये डिफरेंट जगहों पे यूज होती है या सर। सिर्फ कौन सी वाली जी? ये कंस्ट्रक्शन रिलेज जो आपने बताई सर? हाँ, इसमें ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है ना। माइक्रो जी प्रोसेसर सर, में नीचे एक ही रिले में आपके आपको जो है अंडर फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा पॉपुलर है ना, कि आप एक ही रिले जी में डिफरेंट जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन भी आपको एक ही रिले में मिलेगी,
अंडर फ्रीक्वेंसी भी एक ही, अंडर वोल्टेज भी एक ही रिले में मिलेगा, डिफरेंशियल भी हो सकता है आपको एक ही रिले में मिले। तो यहाँ पे आपको जो है एक ही रिले माइक्रोप्रोसेसर यूज करनी पड़ती है डिफरेंट जो है वो फंक्शंस के लिए। अगर आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ये ऑप्शन नहीं होता, इट्स अ मेन ड्रॉबैक। वो फॉर एग्जांपल ओवर करंट रिले है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, तो फिर आप ओवर करंट के लिए यूज कर सकते हैं, वो फिर वहाँ पे आप अंडर वोल्टेज के लिए यूज नहीं कर सकते। इसलिए जो है ना वो ज्यादा वो नहीं है, उसमें फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है, उसमें ज्यादा ऑप्शन है, लिमिटेशन है। ठीक है जी, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर जी, एक ही रिले दो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है? हाँ, एक जो माइक्रो प्रोसेसर है वो दो तीन फंक्शंस के लिए काम कर सकती है। यस सर, मतलब जैसे ओवरलोड है ना, ओवरलोड में आप ओवरलोड भी आप यूज कर सकते हैं उसी माइक्रो प्रोसेसर में, ऑप्शन पैरामीटर यूज हो, क्योंकि सीटी सिग्नल उसको चाहिए होता है। उसके बाद अंदर जो है ना बेताशा उसके फंक्शन है, एक ही रिले में आप ओवरलोड को भी यूज कर सकते हैं, उसी में आप जो है ओवर करंट को भी यूज कर रहे हैं, आप डायरेक्शनल भी यूज कर रहे हैं, तो ये जो है वहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी। अब ये सबसे पहले जो हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, सेटिंग वगैरह और फिर एप्लीकेशन कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फिर मजीद जो है इनकी टाइप्स हैं, अट्रैक्टेड आर्मेचर रिलेज हैं, फिर है इंडक्शन डिस्क और इंडक्शन कप। इसमें सिर्फ जो रोटर होता है उसका फर्क होता है, एक कप टाइप होता है और एक डिस्क टाइप होता है। डिस्क वाला जो है आपने देखा होगा, बिल्कुल सेम है जैसे आपके घरों में एनर्जी मीटर लगे होते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप की रिले होती है, इंडक्शन डिस्क टाइप, अगेन इस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर ये जो है प्रिंटेड डिस्क डायनामोमीटर टाइप है, और ये जो नीचे वाली रिलेज है अप्रोक्सीमेटली ये जो है अभी यूज नहीं हो रहे, ऑब्सोलीट है। अगर कोई देखना चाहते हैं तो अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेशक पढ़ लें, ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हम जो है ये पहली दो जो इम्पोर्टेंट अट्रैक्टेड आर्मेचर, इसलिए कि ये अभी भी यूज़ हो रही हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अट्रैक्टेड आर्मेचर। और इंडक्शन डिस्क जो है, जैसे मैंने कहा वापडा स्टील यूज़ कर रहा है इंडक्शन डिस्क टाइप रिले फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ 11 kV फीडर्स। तो जो भी इसमें पैरामीटर्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो आपके माइक्रो प्रोसेसर में भी यूज़ हो रहा है, वही प्रिंसिपल वहाँ भी यूज़ हो रहा है, वही करेक्टरिस्टिक्स वहाँ भी यूज़ हो रहे हैं। दैट इज़ वाई ये जो इंडक्शन डिस्क है इसको आप पढ़ेंगे जी। तो ये दो रिले इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले जी जो अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले है इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो है जो बेसिक वो है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अगर आप स्लाइड देखें जी, ये रिले आपने यूज की होगी आपके प्रोजेक्ट्स में, छोटी छोटी रिलेज जो ग्लास में ग्लास केसिंग में होती है, उसके अंदर आपको डेफिनेटली ये जो है आर्मेचर आपको नजर आता है, पीछे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये जो है ये कॉयल है, ये कॉयल जो है आपको नॉर्मली नज़र आता है कॉपर वायर्स में। अगर आप रिले आपने देखी है, ये बिल्कुल आपको सामने नज़र आती है, ऐसे वाइंडिंग की होती है। और यहाँ पे पिवट लगा हुआ है, ये जो आर्मेचर है ये आगे पीछे होने के लिए, रेस्टेनिंग स्प्रिंग है, ये उसका जो है साइड पे जो है एक उसका मैग्नेटिक सर्किट दिखाया गया है जी। ये कोर है, कोर के ऊपर जो है ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट जो है आप नॉर्मली सीटी से देते हैं। तो ये नीचे जो है ये इसका
आर्मेचर है जैसे यहाँ पे है, और ये जो है ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रिप कॉन्टैक्ट्स हैं। जिस टाइम ये रिले जो है ऑपरेट होती है, इन व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट इज मोर, तो ये आर्मेचर जो है ये अट्रैक्ट करता है अपवर्ड, और ये कॉन्टैक्ट क्लोज करके आगे ट्रिप सिग्नल सेंड करता है। यहाँ पे भी ये जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये फिक्स कॉन्टैक्ट। ये जब आर्मेचर ये कॉयल जो है जब अट्रैक्ट करता है इस आर्मेचर को, तो ये आगे जाके जो है ना इसको क्लोज करता है, और ये दोनों जो है आगे ट्रिप सिग्नल जनरेट करते हैं व्हिच इज कनेक्टेड विद द ट्रिप सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो ये पीछे हम दोबारा जी जाते हैं, और इसकी जो है प्रॉपर्टीज में देखते हैं जी, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट रिलेस, बहुत सिंपल होती है, आपने कंस्ट्रक्शन में भी देखा। द फोर्स प्रोड्यूस्ड, जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जब आर्मेचर अट्रैक्ट करता है तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आर वोल्टेज स्क्वायर, यानी ये जो है जो फोर्स है, फोर्स एफ, तो ये जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स स्क्वायर, और ये फ्लक्स अगेन प्रोपोर्शनल टू या इधर करंट होता है या वोल्टेज होता है। ये जो फ्लक्स होगा इस कोर में फ्लो करेगा ये वाला, तो आई जो है ये जो फ्लक्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस आई। अगर वो अगर ये रिले जो है एज ए वोल्टेज मॉनिटरिंग यूज करें तो फिर आई की जगह वी हो जाएगा, और दिस फ्लक्स विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू वी। तो जो फोर्स होगा यानी जिस फोर्स से ये आर्मेचर, ये जो आर्मेचर है ये अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स दिस कॉयल, वो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। अगर आई आप दे रहे हैं रिले को यानी ओवर करंट यूज कर रहे हैं, या फिर वोल्टेज के जो है प्रोपोर्शनल होगा अगर आप इस रिले को एज ए वोल्टेज मॉनिटरिंग यूज कर रहे हैं। तो ये जो है वापस आते हैं जी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स, एंड ऑफ कोर्स ये हम बाद में देखेंगे कि ये स्क्वायर कहाँ से आ गया जी, और ऑफ कोर्स जो फ्लक्स है ये आइदर इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट और दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। डिपेंड करता है कि आप इस रिले को कैसे यूज कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, क्या आप करंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं या आप वोल्टेज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वो सिंपल रिले है और सिंगल क्वांटिटी एक्चुएटिंग रिले है। सिंगल क्वांटिटी एक्चुएटिंग से मुराद ये है कि इसमें या आइदर इट विल बी यूजिंग द करंट और इट विल बी यूजिंग द वोल्टेज, दोनों एट ए टाइम जो है वो आप इससे मॉनिटर नहीं कर सकते, यानी या आप सीडी का सिग्नल देंगे या आप पीटी का सिग्नल देंगे। तो ये जो है आर्मेचर अट्रैक्शन रिलेज, और ये जो है ये जो नेक्स्ट स्लाइड है अगर आप देखें जो ये रिले जो है इनसे थोड़ा नीचे आप देखें जी, ये कॉइल है उसका, और ये उसका जो है ये आर्मेचर जो कि ये नीचे मूव करता है। इस आर्मेचर के साथ ऊपर आ जाए जी, ये जो है ना ये कॉन्टेक्ट है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, जिस टाइम प्लंजर जो है ये अटैक करता है तो ये दोनों कॉन्टेक्ट जो यहाँ से निकलता है और ये दोनों कॉन्टेक्ट आपस में क्लोज हो जाते हैं। पीछे जो है जैसे ये दो नजर आ रहे हैं, पीछे से इनकी वायरिंग होती है, यहाँ से वो ट्रिप सिग्नल निकल जाता है। यहाँ पे आपको ये सेटिंग नजर आ रही है, ये जो है इसका नाब है, वो पहले लिए है, मतलब इसमें थोड़ा सा जो है ना आइडिया आपको हो जाएगा। ये सेटिंग है, इसमें आप करंट की सेटिंग करते हैं, कितने करंट पे इसको आपने ऑपरेट कराना है, तो ये इसकी जो है पिकअप वैल्यू के लिए ये नॉब लगा हुआ है, और ये जो है इसकी गेन है। तो ये जो पुरानी हमारा है, लेकिन इसमें अभी भी यूज हो रही है जो इंडक्शन डिस्क रिले, उसके साथ इसको भी जो है ना ऐड करते हैं, और यहाँ पे एक वन लगा हुआ है IMST इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस का वन भी जो है ना इसी रिले में आएगा। ये है इसका कॉइल, कॉइल की सप्लाई जो है वो पीछे से यहाँ से मिलते हैं इसको, तो अलग से, और ये ट्रिप कॉन्टेक्ट अलग से होते हैं। तो थोड़ी सी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है,
जो फिजिकली कैसे होती है रिले, ये इसमें भी कोई क्वेश्चन है इसमें? ये वर्किंग जो है जरा समझा दे सर, जो डायग्राम जो है। जी जी कौन सा? ये नेक्स्ट कार्ड जो है। अच्छा ये वाला, ये वाला जी, ये जरा दोबारा इसको दोबारा समझा दूं। जी जी ओके। इसमें आप देखिए जी, ये उसका मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है जी। ये कोर है, ये जो आपको नजर आ रहा है जी, ये कोर है। और ये वाला जो है, अगर आप इस साइड पे देखें तो ये इसका ही, ये पूरा जो है ये अंदर वाइंडिंग है और ये उसका कोर है, ठीक है जी। ये जो है वाइंडिंग अंदर होती है इसके ऊपर जो है, और ये पूरा जो है कोर है। तो इसके सामने जो है यहाँ पे ये आपको नजर आए, ये आर्मेचर है। तो ये इसका आर्मेचर है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। और ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे पिवट लगा होता है, ये आर्मेचर, ये आगे पीछे होता है। यहाँ पे स्प्रिंग शो नहीं किया गया, डेफिनेटली इसके नीचे यहाँ पे स्प्रिंग भी होगा जो कि यहाँ पे शो किया गया। अब ये जो है स्प्रिंग जो है, इसका क्या काम होता है? ये रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग जो है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि जिस टाइम ये एनर्जाइज हो जाता है ये कॉइल, यानी ये फॉर एग्जांपल करंट फ्लो हो रहा है लेकिन अभी तक फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल करंट है, तो नॉर्मल करंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये जो कोर जो है यहाँ पे, ये क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना ये पूरा जो है, तो जब ये मैग्नेट बनेगा तो इसकी जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इतनी नहीं होगी कि इस आर्मेचर को वो अट्रैक्ट कर सके। इन ये वाला आर्मेचर जो है, ये अपनी पोजिशन पे ऐसे ही होगा। जिस टाइम फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट करंट जो है वो आपको पता है बहुत ज्यादा फ्लो करता है। अब जो फोर्स होगा वो स्क्वायर ऑफ द करंट हो जाएगा, मजीद जो है ये फोर्स जो प्रोड्यूस होगी बहुत ज्यादा होगी। और ये जो स्प्रिंग है ये क्या करता है, स्प्रिंग की जो फोर्स है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी। यानी जिस टाइम नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा होता है, तो इसलिए ये जो कायल है इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है। लेकिन अगर फॉल्ट आता है तो इसकी जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे ये वो इसके फोर्स से इंक्रीज कर जाती है, और जिससे आर्मेचर जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है इस साइड पे टूवर्ड्स द कायल। अब जब ये क्लोज हो जाता है, आगे ट्रिपिंग हो जाती है, तो फॉल्ट करंट जब क्लियर हो जाता है, करंट जीरो हो गया, दोबारा जीरो हो गया, नॉर्मल हो गया, जो भी वैल्यू आती है, तो अब इस आर्मेचर को चूंकि इसके साथ है, डेफिनेटली इसको वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहिए। तो ये जो स्प्रिंग है, इस फंक्शन क्या जी, ये वापस इसको अपनी पोजीशन पे ले आती है व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन द रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑफ दिस कॉइल। तो इसका पूरा ऑपरेशन होता है। अब ये उसी पोजीशन पे रहता है, नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जिस टाइम फॉल्ट आता है, अगेन इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मोर देन द रिस्ट्रेनिंग फोर्स, ये आर्मेचर दोबारा जो है, तो इसी तरह जो है ओपन क्लोज होता है और आगे जो है वो सर्किट को मेक ब्रेक करता है। जी थैंक यू जी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए जी। जी सर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जी? ये जो रिले है आर्मेचर अट्रैक्शन, ये रिले आपने मैंने सबने देखी होगी आपके प्रोजेक्ट्स में भी, वो ग्लास टाइप की, नीचे एक प्लंजर भी नजर आता है और उसके बाद उसको आप यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स की जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो डिपेंड करते हैं, वो डिफरेंट हो सकती है, उसमें एक कॉमन भी हो सकता है और एक ओपन एक क्लोज होता है, या इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, दे डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। तो सिंपल रिले सबने देखी है, यूज भी की होगी। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या है जी, नंबर वन इज रिस्पॉन्स टू बोथ एसी एंड डीसी। अब देखिए जी, इसमें ये जो है ये एसी पे भी ऑपरेट हो सकती है, डीसी पे भी ऑपरेट हो सकती है। यानी बात जो है, जब आप उसको एनर्जाइज करते हैं तो आपको सिर्फ एसी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो इंडक्शन डिस्क रिले है वो डीसी पे ऑपरेटेड नहीं है, यानी अगर आप डीसी सिग्नल देंगे उसको तो उस पर ऑपरेट नहीं होती है, तो उसके लिए जो है एसी ही चाहिए। मगर इनकेस ऑफ आर्मेचर अट्रैक्शन टाइप, इसमें दोनों जो है आप एसी भी यूज कर सकते हैं और डीसी भी।
Number two, they are fast relays. अब फास्ट क्यों है? स्पीडिंग क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल लेंथ ऑफ ट्रेवल एंड लाइट मूविंग पार्ट्स. एक तो जो डिस्टेंस है, पीछे अगर आप जाए तो ये जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस आर्मेचर, ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल होता है. तो ये तो फास्ट हो, इस वजह से फास्ट ऑपरेशन होती है, यानी टाइम कम लगता है. दूसरा है कि ये जो वेट है इसका आर्मेचर, ये बहुत लाइट वेट होता है. तो लाइट वेट लाइट वेट में जो है इजीली जो है इट ट्रेवल मूव्स टुवर्ड्स द फिक्स कांटेक्ट. तो लाइट वेट की वजह से और डिस्टेंस कम होने की वजह से ये जो रिलेज फास्ट होती है. थोड़ा सा मजीद इसको एक टर्मिनोलॉजी में यूज किया गया है, दे आर इंस्टेंटेनियस. यानी इसमें जब आप इस रिले को यूज करते हैं तो इसमें टाइम की सेटिंग नहीं होती है. तो आप कहते हैं कि जी अगर मैं इसमें डिले देना चाहता हूँ कि एक सेकंड के बजाय ये जो है 5 सेकंड के बाद ऑपरेट हो जाए, तो ये वाली ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं होती है. ये जो है इंस्टेंटेनियस, यानी देयर इज नो इंटेंशनल टाइम डिले. ऑफकोर्स टाइम डिले होती है इसमें, यानी ये जो आर्मेचर है वो ट्रेवल करता है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम को हम निगलेक्ट करते हैं, बहुत मिनिमम टाइम होता है. इसलिए जो है ये आप वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको फास्ट ऑपरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है दे आर अफेक्टेड बाय ट्रांजिएंट्स. अब ये जो ट्रांजिएंट होते हैं सिग्नल्स में, ये जो है उसकी वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिएंट्स कंटेन डीसी कंपोनेंट्स इन एडिशन टू एसी. अब लेट्स सपोज अगर आप इसको एसी में यूज कर रहे हैं, तो अगर वो ट्रांजिएंट्स आते हैं तो आपको पता है कि एसी कंपोनेंट के साथ साथ डीसी कंपोनेंट भी होते हैं उसी ट्रांजिएंट में. और आपको पता है कि ये जो है जैसा फर्स्ट जो पॉइंट था कि ये एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट हो सकती है, तो बहुत का जो है ट्रांजिएंट्स की वजह से ये रिले ऑपरेट हो सकती है. यानी फॉल्ट नहीं होता है, किसी भी वजह से सिस्टम में कुछ ट्रांजिएंट्स आ गए, तो अगर उसमें डीसी की आवाज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसी, तो फिर ये रिले फास्ट ट्रिपिंग भी कर जाती है. दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस रिले. इसके लिए फिर आप रेमेडियल एक्शन भी करते हैं कि ये रिले जो है वो ट्रांजिएंट पे ऑपरेट ना हो. और नेक्स्ट जो पॉइंट है वीयर बर्डन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.2 से 0.6 तक है, द करंट रेंज ऑफ 0.1 से 0.4 एम्पीयर. मैक्सिमम इस रिले की जो कार्ड वैल्यू है वो 0.4 एम्पेयर है. और वी बर्डन जो है वो अगर आप इसका यूज करते हैं जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करते हैं, डेट इज ऑफ द ऑर्डर 0.2 से लेके 0.6 तक. तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्मेचर अट्रैक्शन रिलेस. जी इसमें मुझे पॉइंट की समझ ना आई है. सर एक क्वेश्चन है. जी सर, ये एसी के केस में सर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास चेंज होती रहती है ना सर, लेकिन डीसी के केस में वो कांस्टेंट रहती है. जी तो सर इससे कोई इफेक्ट होता है लाइक सर कहीं सेट होगी ना एसी के केस में? नहीं, अब आप देखें ना. जी अब आप देखें, अगर मैं वापस उस स्लाइड पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ये जो फोर्स है ये आप देख रहे हैं जी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स स्क्वायर. ठीक है जी. अब फॉर एग्जांपल फ्लक्स जो है वो एसी है, तो एसी में आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन अगर आप उसको स्क्वायर लेते हैं नेगेटिव का तो वो फिर पॉजिटिव ही आता है. ठीक है जी. तो इस केस में दैट इज व्हाई कि अगर आप इसको एसी देते हैं तब भी ये ऑपरेट होती है, और डीसी में तो कोई इशू नहीं है, इसी वजह से भी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आती है. तो ये जो है रीजन दैट इज व्हाई इसका एसी या डीसी ऑपरेशन पे कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता आप बेशक एसी दे दें या डीसी दे दें. क्लियर है? ठीक है सर.
अच्छा जी, आप इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन, यानी इसको आप कहाँ पे इसको यूज करते हैं? तो दीज आर ऑल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्मार्ट मशीन्स आर इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कहीं पे भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके स्मार्ट मशीन्स हैं उसमें भी आप इसको, छोटी मोटर है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है फॉर एक्सिलरी रिलीज। एक्सिलरी रिलीज वो होती है कि एक तो मेन रिले होती है, मेन रिले जो है बाज़ औक़ात उसको आप, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर में आप कोई आउटपुट रिले लगाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट देता है तो उसके अंदर भी एक रिले है। अब वो आउटपुट जो है उससे आप एक और रिले ऑन करते हैं, तो वो जो दूसरी रिले है उसको आप कहेंगे एक्सिलरी रिलीज। एक तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर की वो बेसिक आप तो कपलर टाइप हो सकती है या ट्रांजिस्टर टाइप हो सकती है। अब ये जो ट्रांजिस्टर आगे फिर एक आप अलग से रिले लगाते हैं बाहर प्रोसेसर से बाहर, वो जो बाहर वाली रिले उसको कहते हैं एक्सिलरी रिलीज। तो इसको आप एज एक्सिलरी रिलीज यूज कर सकते हैं। उसमें एक्सिलरी रिलीज में इंडिकेटिंग फ्लैग्स भी हो सकते हैं। इंडिकेटिंग फ्लैग्स बेसिकली शायद आपने ना देखी हो, उसमें बाजा का तो शटर टाइप रिलीज होती है जिसमें वो कलर चेंज होता है। अगर आपने कहीं किसी पैनल में देखिए तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ग्रीन है तो वो शटर जो है वो ग्रीन से रेड पे चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंडिकेटिंग फ्लैग्स। तो जैसे ट्रिप ये सिग्नल ट्रिप हो गया, वहां से वो कलर से आपको पता चलता है कि अब ये रिलीज या ट्रिप है। अच्छा, एज ए स्लेव रिलीज, सेम स्लेव रिलीज वही चीज है जो अभी मैंने एग्जांपल दिए कि एक माइक्रो प्रोसेसर की एक मेन रिले होती है और मेन रिले से आप फिर एक छोटी सी रिले और ऑन करते हैं और उसी का कॉन्टेक्ट आगे ट्रिपिंग में यूज करते हैं। तो इसको हम जो है स्लेव एज ए स्लेव रिले भी यूज कर सकते हैं। एज ए अलार्म रिलीज, यानी इसके साथ जो है आप कोई अलार्म भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप कंट्रोल रूम में फॉल्ट के लिए अलार्म लगाते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं वो विजिलेंट रहे, तो इस रिले का कांटेक्ट आप उससे रिले अलार्म को भी जो है एनर्जाइज कर सकते हैं। और एनसिएटर्स वही चीज है, अलार्म ही टाइप की है। उसमें हूटर्स हमारा जो है जहाँ पे लेट सपोज अगर आप कोई बहुत बड़ी मशीन या प्रोसेस चलाना चाहते हैं कहीं पे किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में, तो वहां पर फिर आप इसको एज एनसिएटर्स रिले यूज करते हैं। हूटर पहले बजता है तो उसमें से जो फील्ड के लोग होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि चीजें जो है चलने वाली है, उसको कहते हैं एनसिएटर्स रिले। तो इसकी जो है एप्लीकेशन है, डेफिनेटली एप्लीकेशन आपने भी देखी है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज की होंगी। कहीं पे आप लोड को कनेक्ट डिसकनेक्ट करते हैं, कहीं पे आप किसी आगे जो है अलार्म देते हैं, तो उन मिसल में जो है ना ये रिले यूज होती है। जैसे मैंने कहा आप दो रिले यूज करना चाहते हैं, ठीक है जी। एक आपके पास है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, वो रिले जो है आप कहते हैं कि जी इस रिले को मैं थोड़ा सा आइसोलेट करना चाहता हूँ, इसके साथ तो डायरेक्ट अलार्म नहीं लगाता हूँ, मैं अलार्म के लिए एक और रिले लगाता हूँ। तो वो अलार्म जो है जब आप एनर्जाइज करेंगे तो उसके लिए जो है आप इसी रिले को कनेक्ट करते हैं। अब ये रिले कब ऑपरेट होगी, ये रिले जो है पहले माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट होगा, माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल देगा आर्मेचर अट्रैक्शन को, और आर्मेचर अट्रैक्शन का जो कॉन्टेक्ट होगा वो आगे अलार्म जो है वो यूज करेगा। अब इसमें से तीन चीजें आ गई, माइक्रो प्रोसेसर वो एज ए मास्टर रिले काम करेगा और आर्मेचर अट्रैक्शन जो है वो एज ए स्लेव रिले काम करेगा, और आगे जो है लोड है अलार्म है जो भी है उसको आप यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा जी इसका हम डीसी और एसी ऑपरेशन, यानी जब आप इसको डीसी देते हैं तो इसका बिहेवियर क्या होता है, और जब आप एसी देते हैं, एसी मींस एसी से मुराद है कि इसके कॉइल को एनर्जाइजेशन पावर जो है, तो इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले डीसी ऑपरेशन है,
अब डीसी अप्रोच में ये जो इक्वेशन है इसी मुराद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो शुरू में जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, उसका स्क्वायर था। अगेन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू जो भी होगा करंट यूज करते हैं वोल्टेज। अब यहाँ पर सपोज हम करंट जो है उसको यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू के वन आई स्क्वायर। के वन यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो ये डिपेंड करता है द नंबर ऑफ टॉर्स आप यूज कर रहे हैं, कोर साइज यूज कर रहे हैं, कोर मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसकी खास जो है जो भी आप डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आती है उसका मैंने रिप्रेजेंट किया के वन से। उसके बाद जो आपने रिले देखी थी उसमें स्प्रिंग लगा हुआ था तो उसमें हमने इसको कहा रेस्ट्रेनिंग फोर्स जो स्प्रिंग का है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर से। ठीक है, ये आर जो है वो सबस्क्रिप्ट है याद रखना है आर यहाँ पे। तो एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि कॉइल में से जब करंट फ्लो होगा जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो एफ ई है और एफ आर जो है ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का जो है फोर्स नॉर्मली वो कांस्टेंट ही होता है तो इसलिए इसको हमने एफ आर से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है जी एफ इज इक्वल टू एफ ई माइनस एफ आर, ये एफ जो है दिस इज अ नेट फोर्स। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए एफ आर के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, रीजन क्या है, इसलिए कि हमेशा रेस्ट्रेनिंग फोर्स विल ऑलवेज अपोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे हमने देखा था कि जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज्यादा नहीं होगा एफ आर से उस वक्त तक आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट विल बी नॉट बी मोर देन एफ आर। इसलिए जो है यहाँ पे इंस को हमने पॉजिटिव का साइन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को और एफ आर को हमने नेगेटिव साइन दिया। अब यहाँ पे एफ ई की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी और एफ आर की जगह एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी हमने क्योंकि स्प्रिंग है मैकेनिकल है इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हमने रिप्रेजेंट किया के टू से। सो एफ इज द नेट फोर्स। अच्छा अब यहाँ पे ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं वेन रिले इज ऑन द वर्ज ऑफ ऑपरेशन, ऑन द वर्ज ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि रिले रेडी है ऑपरेशन के लिए यानी रिले जो है अब ऑपरेट होगी आर्मेचर जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू होगा, अभी अट्रैक्शन शुरू नहीं हुई यानी बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना कि मैं जी बाउंड्री पे खड़ा हूँ आइदर मतलब मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा तो वो जो है इसको हम कहते हैं वर्ज ऑफ ऑपरेशन। अब आपको पता है वर्ज ऑपरेशन का दूसरा नाम जो है वो बैलेंस कंडीशन भी इसको कहते हैं यानी जब रिले जो है एट बैलेंस कंडीशन होगी। अब बैलेंस से क्या मुराद है, बैलेंस से मुराद ये है कि जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और रेस्ट्रेनिंग फोर्स जो है ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर एफ ई माइनस एफ आर इनका रिजल्टेंट जीरो होगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन यानी रिले जो है वो अभी ऑपरेट नहीं हुई है दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है। अब इनमें से कोई भी फोर्स अगर इंक्रीज होगी तो दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर इस बैलेंस कंडीशन पर एफ ई फोर्स इंक्रीज हो जाएगा इसके बाद तो फिर रिले जो है वो ऑपरेट हो जाएगी और आर्मेचर जो है अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर बैलेंस कंडीशन के बाद जो स्प्रिंग का फोर्स है वो अगर ज्यादा एफ ई से तो फिर आर्मेचर जो है वो मूव नहीं करेगा, वो जहरी बात है कि स्प्रिंग की वैल्यू ज्यादा है तो वो ऑपरेट नहीं होगी रिले। तो ये जो है अगर हम ऑन द वर्ज ऑफ ऑपरेशन या बैलेंस कंडीशन देखें तो नेट फोर्स विल बी जीरो और यहीं से जो है आई की वैल्यू हमने निकाली है के टू बाई के वन, अगेन दिस इज बोथ आर कांस्टेंट सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। अब देखिए ये करंट जो है अगर ये करंट फ्लो हो रहा है रिले में से तो जो भी वैल्यू आती है यानी कांस्टेंट वैल्यूज ये जो है जाहिर बात है मैन्युफैक्चरर जब बनाते हैं ये सारी कांस्टेंट वैल्यू उसको पता होती है तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू कोई वैल्यू निकालेगी आई की वो करंट अगर कॉइल में से फ्लो होगा तो फिर रिले जो है वो ऑपरेट नहीं होगी वो बैलेंस रहेगी। अब अगर ये करंट जो है कोई करंट फ्लो करता है इस करंट से ज्यादा
इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दैट इज मोर देन द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द रिले विल ऑपरेट. तो ये जो है इसका डीसी ऑपरेशन है. डीसी में कैसे जो है रिले ऑपरेट होगी. जी इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं सर. उनके अलावा हम आते हैं जी एसी ऑपरेशन. ये तो हमने इसको डीसी पावर दी, डीसी सिग्नल दे दिया, तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है. थोड़ा सा जो है जो प्रॉब्लम आती है वो एसी की शक्ल में आती है. जब आप एसी देते हैं तो वो एसी ऑपरेशन पहले हम देखते हैं कि एसी में क्या प्रॉब्लम होती है रिले के साथ. तो उसी तरह की एफ ई जो है दैट इज वही केआई स्क्वायर और यहाँ पर ये जो है आई. अब हमने डीसी की बजाय इसको एसी दे दिया जी. अब आई की वैल्यू जो हमने इसी इक्वेशन में पुट किया और ये आपके पास होते होते आपके पास ये जो है फाइनल ये चीज आ गई. ठीक है जी. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एक ये टर्म आ गया और दूसरा जो है ये टर्म आ गया. इन दोनों आप देख लें जी, इसमें कोई वो नहीं है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसको आप कर लेंगे. अच्छा यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रहे हैं जी. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स. एक ये टर्म है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट कॉम्पोनेंट. दूसरा जो कॉम्पोनेंट है पार्ट है वो इसमें आप देखें जी उसमें ये जो है एसी कॉम्पोनेंट. इसको कहते हैं पल्सेटिंग कॉम्पोनेंट एट डबल फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो डबल हो जाती है, ट्रू ओमेगा. अब ये जो दो टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट टर्म है और एक एसी है या पल्सेटिंग है एफ ई, इसको जो है इसका क्या इफेक्ट आता है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं जी. ये उसका जो है इफेक्ट है. अब यहाँ पे इस डायग्राम में पहले आप समझें जी कि डायग्राम कैसे ड्रा की गई है. ये जो आपको नजर आ रही है रेड, ये एसी कंपोनेंट है जो आई आपने लिया हुआ है. ठीक है जी. जो इनपुट करंट है आई, ये वाला जो है ये वाला आई, ये आपने कॉइल को दे दिया. ठीक है जी. ये जब आपने कॉइल में, तो अब ये कॉइल में से फ्लो हो रहा है. इसके बाद जो एफ ई है उसका एक टर्म ये है जी, ये आपको नजर आ रहा है. ये मैंने डायरेक्ट शो किया जिससे कांस्टेंट वैल्यू, कोई एक वैल्यू आएगी. अब जो है ये दूसरा जो है ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसी तरह जो ये एसी कंपोनेंट. ठीक है जी. अब इसमें आप देखेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये डबल है. ये देखिए ये सिंगल है 50 हर्ट्ज और इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इसका यहां तक डबल फ्रीक्वेंसी है. सिमिलरली फिर ये इसी तरह रिपीट हो रहा है. अब ये जो डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है और ये जो है कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का रिजल्टेंट फिर आगे एफ ई बनता है. ये जो है उसको कि ये डॉटेड, ये लेट सपोज एफ आर है. एफ आर की वैल्यू है. अब एफ आर की वैल्यू जो है जब ये एसी का एसी जो है ये वाला ये इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा, इट मीन्स कि एफ ई जो है वो क्या कर रहा है, वो इस एफ आर से ज्यादा हो रहा है. तो जब एफ आर से ज्यादा है एफ ई, तो रिले क्या करेगी, आर्मेचर जो है वो अट्रैक्ट होगा. इसलिए कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स इज मोर देन द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो इस पॉइंट पे ये जो दो पॉइंट शो किए गए, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है. ये जिस टाइम इनपुट सिग्नल फ्लो कर रहा होता है उस टाइम आउटपुट जो है इसको रिजल्टेंट बनता है वो ये वाला बनता है ये. अब यहाँ पे टी वन जो ही आता है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स एफ आर सी इंक्रीज करता है तो रिले ऑपरेट हो जाती है. अब रिले किस टाइम तक ऑपरेट रहती है, यहां से लेके ये पूरा इस पॉइंट तक आपके पास एफ ई है. ये एफ ई है, एफ ई इज मोर देन एफ आर, तो इसका मतलब है कि रिले ऑपरेट होगी ये जो शेडेड रीजन है. उसके बाद जब ये नीचे आता है यानी ये क्रॉस करेगा तो ये जो है रिले ऑफ हो जाएगी. यहां पर इस पॉइंट को एट टी वन रिले क्या करेगी, पिक्सअप. ये जो है यहाँ पे रिले पिक्सअप यानी ऑपरेट हो रही है और यहाँ पे ये ड्रॉप्स ऑफ हो जाएगी. अब ये यहाँ तक ऑफ रहेगी
जब ये बाहर आ जाएगा फिर ये ऑन हो जाएगी, इस पॉइंट पे ऑन रहेगी, इसके बाद फिर इस पॉइंट पे आके ऑफ हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि जितना ये जो इनपुट सिग्नल फ्लो कर रहा है कॉइल में से उतने तक जो है ना रिले जो है वो ऑन ऑफ होती रहेगी। यहाँ पे थोड़ी सी जो है यहाँ ये देख लीजिए पॉइंट्स रिले स्पीड अप एट टाइम टी वन एंड इट ड्रॉप्स अप एट टाइम टी टू। नेक्स्ट क्या है, रिले आर्मेचर पल्सेट्स एट डबल फ्रीक्वेंसी, पल्सेटिंग करेगा और दिस विल कॉज द रिले टू हम, एक हमिंग साउंड आपको नजर आएगी, शोर मतलब हमिंग साउंड आप सुने हो, बहुत ज्यादा शोर होते हैं, चैटर करती है रिले, अगर आपने कहीं आपको तजर्बा हो एक साउंड सी आती है एंड ऑफ कोर्स इट विल प्रोड्यूस नॉइस। अब ये जो रिले ऑन ऑफ हो रही है इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो कॉन्टैक्ट्स हैं कॉइल के साथ लगे हुए हैं वो भी इसके साथ ऑन ऑफ होते हैं, और बहुत ज्यादा जब ऑन ऑफ करते हैं तो जरूरी बात है वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं जिससे वो कॉन्टैक्ट्स डैमेज भी हो सकते हैं, तो इसलिए दिस में काज द डैमेज टू द रिले कॉन्टैक्ट्स। ये जो इसका जो एसी ऑपरेशन है उसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो कहते हैं जी रिले चैटर कर रही है, ये रिले जो है वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो विच इज डेंजरस। ऐसा आपको टक टक की आवाज नहीं है, ये बहुत फास्ट होता है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है डबल फ्रीक्वेंसी तो फास्ट होता है, बिल्कुल आपको एक हमिंग साउंड सी आएगी कि रिले जो है ना शोर करती है, नॉइस करती है, तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक इन केस ऑफ द एसी ऑपरेशन। अब इसके लिए जो है जाहिर बात है अब इसको तो आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि जी अब हमिंग साउंड है रिले कॉन्टैक्ट्स डैमेज हो रहे हैं, तो इसका भी रेमेडियल होता है कि इसको आप कैसे रेमेडी करते हैं। तो क्लियर है एसी ऑपरेशन, कोई क्वेश्चन है? नो सर। आगे चलते हैं जी। एक चीज जो है यहाँ पे नोट करने वाली है जी, थोड़ा सा आपने फ्लैशबैक में जाना है, ये है जो सिंगल फेज मोटर्स है उसको अक्सर आप लोग जो है वो थ्रू कैपेसिटर चलाते हैं, उसमें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का फंक्शन अगर किसी को पता है पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैपेसिटर जो है वो बेसिकली फेज स्प्लिटिंग करता है, यानी उसमें भी यही चीज होती है, अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो मोटर उसी तरह जो है वो चैटर करेगा हमिंग साउंड, क्योंकि वहां भी आप जब सिंगल सप्लाई देते हैं तो उसमें सेम फेनोमेना आता है कि टॉर्क जो है वो पॉजिटिव होगा फिर टॉर्क नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो मोटर जो है वो यूनिडायरेक्शनल में नहीं चलेगी, वो आपको जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड और डेफिनेटली जो चलेगी नहीं, क्योंकि टॉर्क जो है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं बनता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर आप कैपेसिटर लगाते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कैपेसिटर लगाया और फेज जो सिंगल फेज था उसको दो फेज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दो फेज जो है वो दे आर रेस्पॉन्सिबल, यानी हमेशा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जब भी प्रोड्यूस होती है उसके लिए एक फेज से यानी मोर देन वन फेज आपको चाहिए होते हैं, मशीन में पड़ा होगा वो फेजेस जो है एक से ज्यादा होते हैं तब जो है आपके पास टॉर्क जो है वो यूनिडायरेक्शनल में अचीव होता है। तो ये जो है इसके साथ भी यही करना पड़ता है, एक ऑप्शन ये है कि आप कैपेसिटर लगे और ये जो एसी है ये वाला इसको आप दो फेजेस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है जी, ये आई वन है ये आई वन दो फेज में आ जाएगा आई वन और आई टू, आई वन और आई टू को अगर आप वेक्टर सम लेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी यूनिडायरेक्शनल, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन आपने सुना होगा शेडेड पोल, शेडेड पोल मोटरें जो है ये भी आती है वो भी सिंगल फेज होती है लेकिन उसके लिए आप कैपेसिटर यूज नहीं होता है, उसमें जो पोल्स होते हैं ये अभी नेक्स्ट जो हमारी रिले है इंडक्शन डिस्क रिले वहां पे हम इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे, तो यहाँ आर्मेचर और दोनों सेम ही है,
सेम जो है प्रिंसिपल है, इसलिए वहां पे हम डिटेल के साथ अभी मैं बताऊंगा। तो इंडक्शन जो है, जो शेडेड पोल्स मोटरें होती हैं उसमें आपको कैपेसिटर नजर नहीं आते, उसकी जगह पोल्स, यानी आप सिंगल पोल की बजाय दो पोल्स में आप कन्वर्ट करते हैं। ये मोटरें आप अक्सर देखते हैं आपकी जो किचन और वॉशरूम्स में, छोटी जो होते हैं एग्जॉस्ट फैंस, एग्जॉस्ट फैंस में नॉर्मली जो है आपको, अगर आप उसको खोलें तो वहां आपको कैपेसिटर नजर नहीं आता है, बगैर कैपेसिटर्स की वो मोटरें होती हैं सिंगल फेज। तो उसमें बेसिकली जो ज्यादातर मोटरें यूज होती है वो शेडेड पोल होती है। शेडेड पोल मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ पोल्स जो है वो आप बढ़ाते हैं, सिंगल की बजाय आप दो पोल कर लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल कैसे यूज होगा हमारे भी नेक्स्ट हमारे इंडक्शन डिस्क रिले में। तो ये जो सिंगल फेज मोटर है, स्प्लिटिंग ऑफ फेज, ये काइंडली जरा पढ़िए कि स्प्लिटिंग ऑफ फेज कैसे करते हैं थ्रू कैपेसिटर और थ्रू पोल शेडिंग। तो नेक्स्ट हमारा जो रिले है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिले, इंडक्शन डिस्क रिले। बस कर दें, ये सर काम भी हो रहा है सर, ये अभी अपलोड कर दूंगा, ये अपलोड कर दी, ठीक है सर। वो जो स्लाइड्स आप पढ़ा देते हैं वो गायब क्यों हो जाती है? कौन सी जी सर, जो आप पढ़ा देते हैं वो गायब हो जाती है यहाँ से? नहीं मतलब अभी फ्यूज वाली जो है, पोर्टल पे नहीं शो होता है सर, बस मैं अभी उस पोर्टल पे शो होते हैं सर, इसको भी मैं करता हूं, ठीक है जी सर। चैप्टर के बाद बर्डन के बाद भी अपलोड नहीं है, वो भी कर रहे हैं। चलिए सारा फ्यूज का सारा चैप्टर दोबारा कर लेता हूं, ठीक है यस सर। और सीटी बर्डन के यस माइक्रोसॉफ्ट भी कर दें। ओके ओके, बस मैं सारा कर लेता हूं, ये दोनों रिटेस का भी और उसका भी कर लेता हूं, चेक कर लें। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।